देश का बहुत बड़ा कर्ज है हम पर, तो हमारा ये फर्ज है कि जाने से पहले उस फर्ज को पूरा करके जाए। मेरे से बहुत से भाइयों ने पूछा आते ही एयरपोर्ट पे घेर लिया, बाबा जी क्या आप किसी पार्टी का प्रचार करने आए हो, किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का प्रचार करने के लिए घूम रहे हो? मैंने कहा हम किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं घूम रहे, हम देश को बचाने के लिए घूम रहे हैं, और ये देश हम सबका, और देश बचेगा तो ही हम सब बचेंगे, तो ही धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी, सत्य बचेगा, न्याय बचेगा, ना इंसाफी हो रही है। बोले जीत किसकी होनी चाहिए? मैंने कहा जहां धर्म है उसकी जीत होनी चाहिए, महाभारत का स्लोगन है, यतो धर्मस ततो जया, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी टैगलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है तो उसका एक अल्टीमेट गोल होता है, उसका एक लक्ष्य, एक ध्येय होता है, उसकी एक विचारधारा, एक सिद्धांत। तो सुप्रीम कोर्ट का जो लक्ष्य है, ध्येय है, सिद्धांत है, उसका जो वैचारिक अधिष्ठान है वो क्या है? सब मेरे साथ बोलेंगे, यतो धर्मस ततो जयाः। कुछ लोग इस देश को धर्म निरपेक्ष देश बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष देश तो होना चाहिए, माने सब पंथों का सम्मान चाहिए, लेकिन धर्म विहीन नास्तिक राज्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रगों में देशभक्ति है, प्रभु भक्ति है, आस्तिकता है। हम तो उस परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं, हम अपने आप को तो निमित्त मात्र मानते हैं। अच्छा, जितने भी सरकारी पेपर होते हैं उनमें क्या लिखा रहता है? सत्यमेव, लेकिन देश में क्या हो रहा है? अनृतमेव जयते, झूठमेव जयते, असत्यमेव जयते, झूठ की विजय हो रही है चारों तरफ। क्या हो रहा है ऐसा? तब सत्य की विजय होगी, देश में सारी चीजें ठीक ठीक चलें, देह भी ठीक चले। तो पहले मैं देह के बारे में बताऊंगा, फिर अंत में देश के बारे में भी बताऊंगा। देह में भी घोटाला हो रखा। अब देखो, यदि आपके सिर में दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, डिप्रेशन आपको है, नींद ठीक से नहीं आती है, दिमाग ठीक नहीं है, तो फिर खोटे खोटे विचार आते हैं, और सारा विचारों का ही खेल है। ये जो दुराचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश को लूट रहे हैं, थोड़े बहुत लूटे तो बोले चोर उचक्का, ज्यादा लूट ले तो बोले डाकू, और फिर खूब लूट ले तो फिर क्या कहें उसको, डाकू से आगे भी कोई शब्द होता है क्या? अच्छा, बोले बाबा ये तो उससे भी आगे निकल गए, चंबलों से कहीं और पहुंच गया। सुनो, ये सारा भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार सारे देश में हाहाकार क्यों मचा? दिमाग खराब है, विचार खराब है। यदि सुबह सब योग उठ करके योग करना शुरू कर दें तो दिमाग भी ठीक हो जाएंगे, विचार भी ठीक हो जाएंगे, ना भ्रष्टाचार होगा, ना बलात्कार होगा, हिंदुस्तान फिर से दुनिया का सिरमौर होगा। ये तो होना ही। भाई बहनों, मैंने कहा भीतर भी घोटाला, दिमाग खराब है, विचार खराब है, फिर सब कुछ खराब ही खराब होगा, फिर बहुतों की इधर गड़बड़ है, हार्ट में गड़बड़ आ गई, गांव के लोगों को हार्ट की गड़बड़ी, गांव के लोगों को हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, बर्बाद हो रहे, जमीन बिक रही है, कर्जदार हो रहे हैं। हाँ, डॉक्टर, दवा बेचने वाले, दवा बनाने वाले, हॉस्पिटल वाले, ये खूब मालदार हो रहे हैं। हाँ, दवाओं में बर्बाद हो रहा है देश, दारू में, बीड़ी, सिगरेट, शराब में देश बर्बाद हो रहा है। खजुराहो, पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं, मेरे साथ भी फ्लाइट में काफी कई देशों के लोग थे, एयरपोर्ट पे बैठा था तब भी, उतरा तब भी, तो सब फोटो फोटो खींच खींच के लेके जा रहे थे, देख लो। हाँ, खजुराहो की प्रसिद्धि ऐसे कि तो वर्ल्ड हेरिटेज है। बोले यहाँ क्या है? बोले यहाँ पर काम सूत्रों की बहुत बड़ी व्याख्या है मेरे भाई। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा तो योग सूत्र ही है, और जिसको तुम
कुछ प्रतिमाओं को देख करके ये कहो कि भाई यहाँ तो पता नहीं क्या अद्भुत आश्चर्य है। तो भैया जब तुम पैदा हुए थे तब बिना कपड़े के हुए थे और जाओगे तब भी बिना कपड़े के ही जाओगे। हाँ, ये तो वैराग्य का मंदिर है, ये भोग का मंदिर नहीं है। तो भाई तुम्हें पता रहना चाहिए कि सब मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, कुछ नहीं भैया लेकर के आए थे ना कुछ लेकर।